भूर्भुवः स्वः कायिक स्वरूप स्थूल सूक्ष्म और कारण भी है। भूर्भुवः स्वः स्थूल सूक्ष्म कारण। आज का ध्यान स्थूल पक्ष पर था, किस प्रकार उस महान सूर्य जिसे सविता कहा जाता है, वो दिखने वाला सूर्य तो नहीं है, वो तो सृष्टि का आधार है, आधारभूत। पर जब उसे देख नहीं पाते तो जुड़े कैसे? जुड़ने के लिए दिखने वाले सूर्य को ऋषियों ने उसका इष्ट बनाया, अन्यथा वो निराकार है। उसका स्वरूप कैसे बताया जा सके? उसके निराकार स्वरूप को, उसका सानिध्य प्राप्त करने, उससे संबंध स्थापित करने हेतु ऋषियों ने गायत्री का इष्ट दिखने वाले सूर्य को बना दिया। दिखने वाले सूर्य को हम प्रकाश रूप देखते हैं, उसमें ऊष्मा भी है, प्राण ही प्राण है, और कुछ है नहीं। प्राण के अतिरिक्त वहां कुछ नहीं, प्राण ही है। प्राण है तो पंचभूत है, प्राण नहीं तो पंच महाभूत कहां से? प्राण से ही प्रपंच प्रेरित है, तो हम उसको इष्ट मानकर अपने भाव जगत में इस सूर्य को देखने का प्रयास करते। उन्हें भी दिखता तो उसकी ऊर्जा को, उसके प्रभाव को उसे अनुभव करते, क्योंकि दिखने के लिए धारणा का दृढ़ होना आवश्यक है, पर ऊर्जा और प्रभाव अनुभव करने के लिए धारणा का दृढ़ होना उतना अनिवार्य नहीं। और जब भीतर पूरे कपाल में उस प्राण ऊर्जा शक्ति को हम बहुत गहराई से प्रतिष्ठित कर देते हैं, प्रतिष्ठित माने उसकी अवधारणा इतनी सशक्त, इतनी गहरी और कुछ शेष बचे नहीं, बंद आंखों के पीछे कपाल रूपी से डिब्बे में और कुछ रहे ही नहीं, केवल और केवल प्राण ऊर्जा। उसका कोई रूप होना आवश्यक है? कोई आवश्यक नहीं। प्रकाश रूप में अनुभव हो उत्तम, नहीं हो तो भी उत्तम। प्राण और प्रभाव रूप में अनुभव होने चाहिए। मनुष्य के भीतर उसका स्थूल मस्तिष्क, उसकी अनेकों सूक्ष्म क्षमताओं का भी भंडार है। मस्तिष्क की अपरिमित क्षमताएं बताई नहीं जा सकती। स्थूल के जागरण से ही सूक्ष्म के द्वार खुलते हैं। इसीलिए आज का जो प्रयोग था वो हमने महासूर्य रूपी सविता के
प्राण को, उसकी शक्ति को आज कपाल के पूरे स्थूल में प्रतिष्ठित किया, स्नान करा दिया, प्राणमयी कर दिया, जिसके प्रभाव मस्तिष्क की नस नाड़ियों को शक्ति देना, पोषित करना, सबल बनाना, जिसका प्रभाव अंतोद्गत्वा इसी गायत्री के सूक्ष्म में जब प्राण ले जाएंगे तो उस पर भी प्रभाव पूरा जाएगा। गुथे हैं ना आपस में, स्थूल सूक्ष्म कारण गुथे हैं, इसीलिए पूरा प्रभाव जाएगा। कल का प्रयोग सूक्ष्म पर कराएंगे, फिर कारण पर, और फिर एक दिन कोई दिन चुन करके तीनों प्रयोग 3 घंटे के किसी रविवार को कराएंगे, संडे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।